गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा स्टाइल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे एनवाई बे के न्यूली लॉन्च्ड सनसेट स्काईलाइन ब्लशेस का रिव्यू करने वाली हूँ। आज मेरे पास इनकी सिर्फ एक ही शेड अवेलेबल है, क्योंकि मेरे को दशहरा के लिए एक मेकअप क्रिएट करना था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पसंद से एक ही शेड ऑर्डर करूं। बाद में मैं अगर मेरे को ज्यादा पसंद आ जाती है, अगर मेरे पे सूट करती है, ज्यादा चौकी नहीं लगती है, इवन लगती है, स्किन के जैसी लगती है, अपनी रियल स्किन टोन से मैच कर जाती है, मेरे स्किन टोन से मैच कर जाती है, तो मैं इसको दोबारा से ऑर्डर कर दूंगी। ये मैंने मंगवाए हैं पर्पल ऐप से एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के एनवाई बे के ब्रशेस हैं। इवन एनवाई बे के सारे ही जितने मेकअप प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज के हैं, जिनको टीनेजर्स काफी अच्छे से यूज कर सकती है। अगर आप में से कोई भी जो वीडियो देख रहा है वो बिगिनर है, गर्ल्स जो भी देख रही है बिगिनर है, तो आई रिकमेंड यू टू बाई दिस ब्लश, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मैंने सुना है, हर यूट्यूबर से ही सुना है कि एनवाई बे के ब्लशेस की रेंजेस बहुत अच्छी है। इनमें आपको कोरल कलर मिलता है, इनमें आपको कोरल कलर्स मिल जाएगा, पिंक कलर्स मिल जाएगा, थोड़ा सा न्यूड अंडरटोन वाले भी आपको ब्लशेस देखने को मिल जाएंगे। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय आई एम मिस पूजा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है। एंड कहीं पे भी अगर थोड़ी सी भी मैं आपको अच्छी लग रही हूँ, पसंद आ रही हूँ, मेरे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज डू अ सब्सक्राइब एंड बेल बटन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियोस पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो जाए। चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, आज है मेरे पास एनवाई बे की न्यूली लॉन्च सनसेट स्काईलाइन ब्लश, एंड यू कैन सी ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आती है। बहुत ही छोटी है, मगर आप इसको एक दो महीने से ज्यादा ही यूज करोगे। मैं आपको बता सकती हूँ आप इसको 5 मंथ तक इजिली यूज कर पाओगे। दिखने में छोटी है, मगर इनकी जो रेंज है वो इसका क्वालिटी भी ठीक है और क्वांटिटी भी बहुत अमेजिंग है। चलो मैं इनका रिव्यू शेयर करती हूँ आज आपसे। गाइज, इस वाली ब्लश की MRP 230 रुपीज है। यू कैन सी 230 रुपीज, एंड ये कुछ इस तरह की ब्लैक कलर की पैकेजिंग में आता है। इसके ऊपर बबल रैप ऑलरेडी था, जो कि मैंने हटा दिया। मैंने पर्पल मेकअप प्रोडक्ट्स की भी अनबॉक्सिंग की है अपने चैनल पर, अगर आपको देखनी है वो वीडियो तो मैं आई बटन पर लिंक डाल दूंगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। सारे न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट्स का रिव्यू ऑलरेडी करा है मैंने उसमें, एंड दिस ब्लश इज अमेजिंग। इसमें जो मेरा शेड है वो है 03 क्लिस्टियल पिंक। क्लिस्टियल पिंक जो होती है वो थोड़ी सी पिंकिश वार्म अंडरटोन वालों के लिए होती है, ना कि ज्यादा हैवी होती है पिंक में, ना कि ज्यादा लाइट कलर होती है पिंक कलर में। पिंक फैमिली की होती है ये ब्लशेस, क्लिस्टियल पिंक नाम आपने सुना होगा कहीं। ओके, ये कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आती है। बहुत ही छोटू सी है, आप इसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हो। इवन यू कैन कैरी इन योर पॉकेट ऑल्सो, छोटे से पॉकेट में आ जाएगी। एंड बहुत ही प्यारी है, क्यूट है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है। आपकी जो प्रोडक्ट है वो कहीं से भी टूटेगी नहीं, खराब नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर एक और रैप था जो कि थर्मोकॉल रैप होता है, उसको मैंने निकाल दिया है। इससे आपकी प्रोडक्ट जब तक आप तक नहीं पहुंचती है उसको कुछ भी नुकसान नहीं होता है, वो डैमेज नहीं होती है। ये कुछ इस तरह से ओपन होती है। गाइज, इसके ऊपर भी आपको छोटी सी पेपर की कटिंग मिलती है, ट्रांसपेरेंट पेपर की, जो कि अभी मिसिंग है, सो उस पे नहीं जाते हैं। लेट्स चेक द पिगमेंटेशन, पिगमेंट वाओ। मैंने जस्ट एक स्वाइप किया अपने फिंगर से एंड पूरी इसकी जो कलर है वो आ गया। ये देखो, ये कुछ क्रिस्टल पिंक शेड इस तरह की होती है। क्रिस्टल पिंक मतलब जो वार्म अंडरटोन पे बहुत ज्यादा अच्छे से उभर कर आता है ये कलर, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया, ठीक है। एंड लेट्स चेक द शेड, वाओ अमेजिंग। ये शेड हर स्किन टोन पर अच्छा लगेगा। वैसे तो इंडियन स्किन टोन पर सब कुछ अच्छा लगता है, वैसे तो इंडियन स्किन टोन पर हर ब्लशेस से सूट कर जाते हैं, चाहे वो न्यूड हो, कोरल हो, पिंकिश हो, या फिर कोई और शेड हो। लेकिन ये जो शेड है स्पेशली ये वार्म अंडरटोन वालों के लिए है। आपको पर्पल ऐप पर वहां पर देखने को मिल जाएगा, आप चेक करके ही लेना। ट्राई ऑन भी कर सकते हो, फोटो डाल के ट्राई ऑन भी होती है, एंड इवन यू कैन सी यहाँ पर लिखा भी होता है कि ये व्हाइट स्किन टोन वालों के लिए है, फेयर वालों के लिए है, मीडियम स्किन टोन वालों के लिए है, इवन डस्की स्किन टोन के लिए भी शेड्स अवेलेबल है। शेड्स की भरमार है, शेड्स में आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। शेड्स हर स्किन टोन के लिए परफेक्ट शेड्स लॉन्च किए हैं ऑलरेडी ब्रांड ने। सो एनवाई बे जो ब्रांड है वो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के प्रोडक्ट्स
बनाती है, इवन दे कैन सेल ऑल्सो इन अ वेरी अफोर्डेबल रेंज, और इनकी जो क्वालिटी है क्वांटिटी है बहुत अमेजिंग है. ये देखो इस तरह की जो ब्लशेस आती है ना, आपको जस्ट थोड़ी सी क्वांटिटी देखने को मिलेगी, लेकिन आई सजेस्ट यू अगर आप इसको कभी कभी मेकअप में यूज करते हो, ज्यादा आप मेकअप नहीं करते हो, तो ये चल जाएगी आपको 5 मंथ तक और 3 मंथ तक. ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से यूज करते हैं. लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, और जो ब्लशेस मैंने यूज करे हैं उनमें क्वांटिटी जो होती है थोड़ी सी बेटर होती है. थोड़े से इनको अपने क्वांटिटी पे आई थिंक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पतली लेयर है. यू कैन सी इतना ही ब्लशेस होगा आपके पास, इतना ही ब्लश होगा, इतनी पतली है तो इतना ही ब्लश होगा इसके अंदर. सो आई सजेस्ट एंड वाई बे कि आप थोड़ा अपना क्वांटिटी पे फोकस करें, क्योंकि क्वांटिटी वाइज बहुत कम है. ठीक है, एक बार कोई परचेस करता है तो उसको 5 महीना 6 महीना तो यूज करता ही है. बस एक क्वालिटी मेरे को ये अच्छी नहीं लगी. ठीक है, एनवाई बे की इस क्वालिटी को मैं बोलूंगी 10 out of 8. 10 out of 8 इसलिए, 2 माइनस इसलिए पॉइंट्स, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी और होनी चाहिए थी. बाकी पैकेजिंग वाइज इनकी बहुत अच्छी है, पैकेजिंग रेंज अच्छी है, क्वांटिटी अच्छी नहीं लगी मेरे को, क्योंकि थोड़ी सी और ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए थी. ठीक है, क्योंकि आप इसका एमआरपी भी तो देखो, 230 रुपीज में थोड़ा सा कम नहीं लग रहा है. एंड पीछे आपको कुछ कुछ इसका मेंशन है, एंड इसकी एमआरपी 230 रुपीज है. 2022 में ये मैन्युफैक्चर्ड हुई है, एंड एक्सपायरी डेट इसकी 2025 है. तो सेल्फ वाइज तो बहुत ज्यादा स्टे करेगी, एक्सपायरी डेट थोड़ी सी ज्यादा है. ये अच्छी लगी. चलो गाइस, ये वाली ब्लश एक स्वाइप में ही पिगमेंटेशन देती है, एंड ये हाईली पिगमेंटेड ब्लशेस है. इवन ये आपके स्किन पर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल केकी नहीं लगेगा, आपके स्किन टोन से मैच कर जाएगा. एंड इवन ऐसा लगेगा कि आपने कोई ब्लश नहीं अप्लाई किया, कि लगेगा ही नहीं कि आपने कोई ब्लश अप्लाई किया है. अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का ब्रश यूज करते हो, ब्लेंडिंग ब्रश आपके पास अच्छी है ब्लश वाली, एंड इसकी जो ब्रिशल्स होते हैं ज्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, अच्छी है, क्वालिटी वाइज अच्छी है, और आप प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सेस को रिमूव करना जानते हो, फिर आप प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो ज्यादा केकी नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आपके स्किन टोन से मैच कर जाएगा. एंड ये मिनरल ऑयल नहीं है इसमें. दिस प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन एनी मिनरल ऑयल, सो इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी की इसमें मिनरल ऑयल नहीं है. मिनरल ऑयल बहुत खराब होती है आपकी फेस के लिए, आपकी बॉडी के लिए, जो कि आपको कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए. ठीक है, एंड पैराबिन फ्री. ओ अगेन, दो क्वालिटी अच्छी लगी, एक तो मिनरल ऑयल भी नहीं है, पैराबिन भी नहीं है. पैराबिन इज ऑल्सो अ वेरी बैड केमिकल, बहुत ज्यादा यूज होता है मेकअप प्रोडक्ट्स में पैराबिन का, जैसे लिपस्टिक हो गया, आई शेडोज में भी पैराबिन का यूज होता है, फाउंडेशन में भी होता है. तो ये क्वालिटी अच्छी लगी कि मिनरल ऑयल भी नहीं है एंड इसमें पैराबिन भी नहीं है. लाइट वेट फॉर्मूला है, वेरन फ्रेंडली है, सो इट इज इको फ्रेंडली ऑल्सो, एंड इजिली ब्लेंडेबल है, एंड लाइट वेट फॉर्मूला है. आई नो लाइट वेट फॉर्मूला देखने से पता चल रहा है, क्योंकि एक स्वाइप में जस्ट इसका कलर आया, पिगमेंटेशन आई, एंड ज्यादा चौकी नहीं लगा. ठीक है, अपने फेस पर ट्राई करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. अब हम इसको अप्लाई करके देखेंगे एक स्वाइप में. ठीक है, देखो कितना प्रोडक्ट टच किया, जस्ट उसको सी द डिफरेंस देख सकते हैं. ब्लशेस की रेंज काफी अच्छी है, कोरल भी मिल जाएगा, इवन यू कैन गेट न्यूड शेड्स ऑल्सो एंड पिंक शेड्स भी. डिफरेंट शेड्स लॉन्च किए हैं ब्रांड ने. ओके, अब रिव्यू की बारी आती है. ट्राई ऑन मैंने पहले से कर लिया, यू कैन सी बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है, सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, लगाने के बाद मैट हो गई, मैट फिनिश है. इवन ये आपके फेस पर 12 आवर तक स्टे करेगी, उतरेगी नहीं.
क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट भी नहीं है, मगर ये स्मज प्रूफ है। आप इसको इस तरह से हाथों से रगड़ोगे भी, स्मज करोगे तो ये उतरेगी नहीं, ठीक है। ये चीज मैंने जो देखी है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये चीज जो मैंने इसकी क्वालिटी देखी है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चौकी नहीं लगती है, बिल्कुल भी चौकी नहीं लगती है। यू कैन सी बिल्कुल मेरे स्किन के टेक्सचर के साथ ही ब्लेंड हो गई है, इजीली ब्लेंडेबल थी, ब्लेंड करने में जरा से भी मेरे को दिक्कत नहीं आई। बस थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया, एक्सेस को भी झाड़ दिया एंड जस्ट 1, 2, 3, 4 स्वाइप किया, ऊपर नीचे स्ट्रोक मारे, हो गया, ठीक है। वाटर प्रूफ नहीं है तो आप इसको वाटर के कॉन्टेक्ट में जैसे ही लाओगे आपकी जो ब्लश है वो उतरना स्टार्ट हो जाएगी, फट जाएगी ब्लशेस। एंड ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी लगी मेरे को, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद दिस रेंज। एंड वाई बे की ब्लशेस को जरूर ट्राई देना, अगर आप बिगिनर फ्रेंडली है तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। गाइस ये है NYB के न्यूली लॉन्च सनसेट स्काईलाइन ब्लशेस, इनमें आपको बहुत सारे शेड मिल जाएंगे। इनमें जो मेरा शेड है वो है 03 क्लिस्टियल पिंक, आप देख सकते हो। इसमें कुछ कुछ चीज़ें भी पीछे मेंशन है पैकेजिंग के ऊपर। 230 की आपको यहाँ पर MRP दिख जाएगी, 322 में पैक हुई है। 2025 तक आप इसको ईजिली अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक्सपायरी डेट भी काफ़ी लंबी है, सो 2 साल तो बिल्कुल आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। पैकेजिंग वाइज भी मैंने इसको बोला 10 out of 10, क्योंकि बहुत अच्छे से पैकेजिंग होकर आई थी इसकी। पर्पल ऐप पर आपको सेल वगैरह देखने को मिलते हैं, सेल में परचेज करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एंड पिगमेंट वाइज बात करूँ तो हाई पे ऑफ पिगमेंटेशन है इसकी, हाईली पिगमेंटेशन है इनकी। एक स्वाइप में कलर पे ऑफ आ जाती है, एंड एक बार जब आप इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं फिर चाहे आप अपने ब्रश से उसको झाड़ने की कोशिश करो या अपने हाथों से स्मज करने की कोशिश करो, ना तो ये स्मज होती है और ना ये झड़ती है। सो ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ब्लशेस की। इवन इनके आपको बहुत सारे शेड्स भी मिल जाएंगे जैसा मैंने आपको बताया है। मेरे को ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, एक तो चौकी नहीं लगती है, बहुत सॉफ्ट स्मूथ फिनिश है, बिल्कुल आपके स्किन टोन से मैच हो जाती है, एकदम आपके नेचुरल स्किन से मिल जाती है और इवन लगती है, ठीक। अगर आप कुछ ज़्यादा मेकअप का प्रोडक्ट कैरी नहीं करते हो तो ज़रूर से ब्लश ले लो, कहीं भी आ जाएगी, पॉकेट में आ जाएगी, बैग में भी आ जाएगी, ट्रैवल फ्रेंडली है। NYB के ब्लशेस को जरूर ट्राई देना, अगर आप बिगिनर फ्रेंडली है तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि बिगिनर्स को लाइट वेट फॉर्मूला वाले ब्लशेस यूज करने चाहिए, जो कि ज्यादा चौकी ना हो, ज्यादा उसकी चौकीनेस भी ना हो, स्मूथ फिनिश हो, टेक्सचर वाइज वो आपके स्किन के कलर के साथ ब्लेंड हो जाए। सो ये वार्म अंडरटोन वाला पर बहुत अच्छा लगेगा। आप कोई भी मेकअप करते हो ना उसमें ब्लश का होना बहुत जरूरी होता है, अगर आपने ब्लश नहीं अप्लाई किया है आपकी मेकअप फ्रेश दिखेगी ही नहीं। सो यू कैन सी फ्रेश लग रही होगी मेरी फेस। एंड गाइज 12 आवर तक स्टे भी करती है तो क्वालिटी वाइज तो अच्छी है। एंड क्वांटिटी वाइज बस मैंने इसको 2 पॉइंट्स काटे हैं, क्योंकि थोड़ी सी मेरे को लगता है कि इसका क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। बस इतनी थी आज की रिव्यू, ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। इसमें जो शेड था 3 क्लिस्टियल पिंक, आप इसको ट्राई दे सकते हो, ठीक है। सो गाइज ये थी आज की मेरी NYB की सनसेट स्काईलाइन ब्लश की रिव्यू, बहुत ही अच्छा लगा, लाइट वेट फॉर्मूला है एंड चौकी तो नहीं लगा मेरे को बिल्कुल भी, बिल्कुल लग रहा है कि मेरी इवन स्किन है, ऐसी फील हो रही है कि स्किन है, कुछ हैवी भी फील नहीं हो रहा है, ओके। ये थी मेरी रिव्यू, आई होप यू लाइक माई कॉन्टेंट। आपको NYB ब्लशेस को जरूर ट्राई करना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे रेंजेस है गाइज एंड अफोर्डेबल भी है, ठीक है। 239 में आपको मिल जाएगा, अगर पर्पल ऐप पर सेल चल रही होगी तो आपको और भी सस्ते प्राइस पर मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, टिल देन लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, बाय, लव यू ऑल।